नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश में 60 घरों का एक एनक्लेव बना लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए NDTV ने दावा किया है कि यह एनक्लेव 2019 में मौजूद नहीं था, लेकिन एक साल बाद इसे देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही 100 घरों का एक गांव बसाया है, जिसकी पुष्टि पेंटागन की एक रिपोर्ट में भी हो चुकी है, और उससे 93 किलोमीटर पूर्व में ये नए घर बसाए गए हैं। ताजा एनक्लेव भारत के 6 किलोमीटर भीतर बताया जा रहा है, जो LAC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच है, जिसे भारत ने हमेशा अपना क्षेत्र कहा है। NDTV के अनुसार जब उन्होंने इसको लेकर भारतीय सेना से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह स्थान चीनी क्षेत्र में LAC के उत्तर में स्थित है। हालांकि ये कथन इस तथ्य का खंडन नहीं करता है कि इस एनक्लेव का निर्माण LAC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच, या कहें कि चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र के भीतर किया गया है। चीन ने एक बार फिर किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर अतिक्रमण किया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह पता चला है कि चीन ने पिछले एक साल के अंदर भूटान के इलाके में निर्माण कार्य कर लिया है। तस्वीरों के मुताबिक भूटान के 100 किलोमीटर के इलाके में चीन ने 4 नए गांव बसा लिए हैं। यह विवादित जगह है और यह डोकलाम में पड़ती है। यहां पर 2017 में भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ था और दोनों देशों के बीच कई दिन तक तनातनी चली थी। तब चीन ने यहां सड़क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के सैनिकों ने इसका विरोध किया था। ये गांव मई 2020 से नवंबर 2021 के बीच बसाए गए हैं। बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने भारत के भी अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों का गांव बसा लिया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को मुसलमान बताने का दावा करके बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट में इससे संबंधित कुल 28 दस्तावेज भी पेश किए हैं। ताजा दस्तावेज समीर वानखेड़े का स्कूल सर्टिफिकेट है, जिसमें उनको मुसलमान बताया गया है। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने मुसलमान होते हुए अनुसूचित जाति के कोटे से फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को उनके खिलाफ रंगदारी के एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने परमवीर सिंह के वकील से पूछा कि पहले हमें ये बताएं कि वो कहाँ हैं। अदालत ने कहा कि आप हैं कहाँ, आप इस देश में हैं या बाहर हैं, किसी राज्य में हैं, आप हैं कहाँ। कोर्ट ने कहा कि हम पहले ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, फिर ही इस याचिका पर आएंगे। इस बीच जस्टिस कॉल ने सिंह के वकील को तब निशाने पर लिया जब वकील ने तर्क दिया कि अगर उन्हें सांस लेने की अनुमति दी जाए तभी वो बाहर आ सकते हैं। इस पर जस्टिस कॉल ने कहा कि सिस्टम में भरोसे की इतनी कमी को देखें, वह पुलिस कमिश्नर थे लेकिन हम उनके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं करने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि वो भारत तभी आएंगे जब अदालतें उनकी रक्षा करेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर किसानों का धान नहीं खरीदने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया और धरना दिया। इस दौरान उन्होंने धान खरीद से लेकर BJP पर चौतरफा हमला किया। उन्होंने कहा कि BJP चुनाव के दौरान केवल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि आपके खुफिया अधिकारी सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। CM चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो भविष्य में तेलंगाना भी जैसे को तैसा रवैया अपनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी मामले दर्ज करेंगे। KCR ने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो वे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान सीमा पर अपना सारा ड्रामा, सर्जिकल स्ट्राइक, सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा ये लोग सब देख रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने केंद्र द्वारा धान की खरीद ना करने पर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना दिया। इस दौरान उनके कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार को धान खरीद को लेकर चेतावनी दी और कहा कि अगर धान खरीद नहीं होती है तो BJP के पार्टी मुख्यालय में सारा धान डाल देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कहती है कि धान उगाओ, लेकिन केंद्र सरकार खरीद नहीं रही है। वे राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। यदि आप नहीं खरीदते हैं तो हम आएंगे और भाजपा कार्यालय में धान डंप कर देंगे। गुड़गांव में दक्षिणपंथियों द्वारा खुले में नमाज के विरोध के बीच अब गुरुद्वारों के एक स्थानीय संघ ने घोषणा की है कि शुक्रवार को नमाज के लिए गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हुए हैं। गुरुग्राम की गुरुद्वारा सिंह सभा समिति ने कहा कि वो मुसलमानों को नमाज अदा कराने के लिए यहां अनुमति देने के लिए प्रशासन से संपर्क करेंगे। गुरुद्वारा सिंह समिति के हैरी सिंधु ने कहा कि खुले इलाकों में नमाज के विरोध के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हमारे गुरुद्वारों के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हुए हैं। अगर मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए जगह ढूंढने में समस्या हो रही है तो उनका गुरुद्वारों में नमाज अदा करने के लिए स्वागत है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुरुद्वारे में एक समय में हजारों लोगों को समायोजित करने की क्षमता है, लेकिन कोरोना के कारण बने नियमों के तहत वे छोटे छोटे समूहों को ही एक बार में नमाज करवा सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सिख समुदाय की इस पहल का स्वागत किया है। गुड़गांव में जमियत उलेमा के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सलीम ने इसे उदार कदम बताया है और कहा कि शुक्रवार को सेक्टर 39 और सदर बाजार के गुरुद्वारों में नमाज अदा की जाएगी। इससे पहले गुड़गांव के सेक्टर 12 में रहने वाले अक्षय यादव नाम के युवक ने अपने खाली पड़े घर को नमाज पढ़ने के लिए दे दिया था और बीते शुक्रवार को यहां 15 लोगों ने नमाज भी पढ़ी थी। अक्षय ने कहा कि भविष्य में भी अपनी जगह पर नमाज अदा करवाने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने इसे भाईचारे की असली मिसाल बताया है। बता दें, गुड़गांव में हिंदू संगठनों के नेता बीते कई हफ्तों से सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़े जाने का विरोध कर रहे हैं और इनके नेताओं की बयानबाजी के कारण इलाके का माहौल खराब हो रहा है। पिछले शुक्रवार को गुड़गांव सेक्टर 12A में नमाज की जगह पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था और कहा था कि वो यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाएंगे। त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पत्रकारों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई ट्वीट्स किए थे। त्रिपुरा पुलिस ने 2 हफ्ते पहले ट्विटर से ऐसे 68 हैंडल्स को ब्लॉक करने और उनके बारे में जानकारी देने के लिए कहा था। ट्विटर ने अब ऐसे 24 हैंडल्स और 57 ट्वीट्स को हटा दिया है। त्रिपुरा पुलिस ने हिंसा को लेकर ट्वीट करने वाले लगभग 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर UAPA जैसा कठोर कानून लगा दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिन हैंडल्स को हटाया गया है उनमें से 12 ऐसे थे जिनके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। हटाए गए हैंडल्स में से अधिकतर ऐसे थे जो BJP, इसके नेताओं और इनकी विचारधारा की आलोचना करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि पॉक्सो एक्ट यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के हित के लिए होना चाहिए। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल जबरन ब्रेस्ट को छू लेना यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा, इसके लिए यौन मंशा के साथ ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। इस फैसले की देश में काफ़ी आलोचना हुई थी। बता दें, इस मामले में जो व्यक्ति दोषी पाया गया है उसने लालच देकर 12 साल की एक बच्ची के साथ घर बुलाकर जबरन उसके ब्रेस्ट को छुआ और कपड़े उतारने की कोशिश की थी। इसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया था। श्रीनगर के हैदरपुरा में विवादास्पद एनकाउंटर के मामले में अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस एनकाउंटर में मारे गए व्यापारियों के परिजनों का कहना है कि वो निर्दोष नागरिक थे, जबकि पुलिस का कहना है कि वो आतंकवादियों के सहयोगी थे। अब इस केस में एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पुलिस ऑपरेशन की जांच करेगा। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने NDTV को बताया कि हम परिवारों की मांगों पर गौर करेंगे, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम सुधार के लिए तैयार हैं। पुलिस जांच में ये भी पता चलेगा कि क्या गलत हुआ। सिंह ने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं और जांच से पीछे नहीं हटेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।